नमो नमः, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत भारतम। संस्कृत भाषा सर्वेषां इयम् जननी अस्ति, सा संस्कृत भाषा अस्ति। सभी भाषाओं की जो जननी है उसको संस्कृत भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा सरल है, सुबोध है और विश्व को मनोरंजित करने वाली, विश्व को ज्ञान प्रदान करने वाली देव भाषा संस्कृत भाषा है। कहा गया है सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रिद्या रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेवा क्लेष्टा न च कठिना, नेवा क्लेष्टा न च कठिना, नेवा क्लेष्टा न च कठिना। संस्कृत सरल है, सुबोध है, विश्व को मनोरंजित करती है और न कठिन न क्लिष्ट है। हर मनुष्य संस्कृत में बात कर सकता है, संस्कृत में गा सकता है, संस्कृत को सीख सकता है। संस्कृत इतनी सरल और सहज है कि हम अलग अलग तरीके से संस्कृत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम किसी हिंदी फिल्म को अगर संस्कृत में ट्रांसलेशन करें या किसी गाने को संस्कृत में अगर गाएं तो धुन वो की वही रहेगी, लेकिन संस्कृत इतनी सरल रहेगी और सहज रूप में आप उसको समझ सकते हैं। एक फिल्म का गीत है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, उसको संस्कृत में हमने नए तरीके से प्रस्तुत किया है। तुम हृदय स्पंदने वससी भव बाहुं तुम आगच्छतु स्वप्ने तुम वससी भव, तुम हृदय स्पंदने वससी भव। व्याकरण की दृष्टि से हमने संस्कृत को त्वम के साथ सी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस प्रकार से मध्यम पुरुष के माध्यम से हमने इस गीत के माध्यम से त्वम का सी का प्रयोग बताया है और मध्यम पुरुष में संस्कृत कैसे बनाई जा सकती है, इस प्रकार का हमने प्रयोग किया है। दूसरा प्रयोग हमने एक परदेशी फिल्म का गाना, परदेशी जाना नहीं, विदेशी विदेशी गच्छतु न मम त्यक्त्वा, मम त्यक्त्वा विदेशी मम सखा वचनम निर्वाहम त्वम स्मरसि कुत्रैव न विस्मरणम्, विदेशी विदेशी गच्छतु न मम त्यक्त्वा, मम त्यक्त्वा मम त्वम स्मरसि प्रेम कृतवान, न जानामि न स्मरामि हृदय दत्तवान, विदेशी मम सखा वचनम निर्वाहम त्वम स्मरसि कुत्रैव न विस्मरणम्, विदेशी विदेशी गच्छतु न मम त्यक्त्वा, मम त्यक्त्वा। अर्थात संस्कृत भाषा सरल और सहज है, हर मनुष्य हर व्यक्ति नए नए प्रयोग करके संस्कृत सीख सकता है। संस्कृत पूरे विश्व की भाषा है, संस्कृत पूरे समाज की भाषा है, संस्कृत संस्कार भी लाती है और संस्कार सबको सभ्यता भी दिखाती है, और संस्कार के माध्यम से एक मनुष्य को दूसरे से जोड़ने का जो प्रयास कर सकती है वो संस्कृत भाषा हो सकती है। वो सिर्फ